हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मामूस किचन वर्ल्ड। तो आज संडे है, तो संडे के स्पेशल डिश में आज मैंने बना रही हूँ चिकन की बिरयानी। तो इसलिए सुबह उठ के जल्दी से नहा धोकर मैं चली गई थी चिकन लेने के लिए। फ्रेश चिकन लेके आई हूँ। तो पहले मैंने चिकन को मैरिनेशन के लिए चिकन दही, एक कटोरी में दही ले लिया है। उसके ऊपर थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, थोड़ा चिकन पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा बिरयानी मसाला और थोड़ा कश्मीरी चिल्ली पाउडर था मेरे पास, उसको मैंने डाल दिया। कसूरी मेथी डाल दी और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा एंड भुना हुआ धनिया का पाउडर लिया है और उसके साथ थोड़ा सरसों का तेल और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का और थोड़ा सा धनिया डाल के उसको पेस्ट बनाया था उसमें। और ये थोड़ा बिरिस्ता मैंने खरीद के ले आया था, तो बिरिस्ता थोड़ा ऐड करके चिकन को मैरिनेशन के लिए अच्छे से मैरिनेशन बना दिया। अभी चिकन को देखिए, अच्छे तरह से मैंने लेग पीस लिए है और छोटा छोटा कटा हुआ पीस भी लिया है। उसको मैरिनेशन करके मैं यहाँ पे आधे घंटे से 45 मिनट तक रखने वाली हूँ। तो इसको अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। हो गया मेरा मैरिनेशन, इसको रेस्ट करने छोड़ देती हूँ। अभी एक बाउल में मैं थोड़ा बासमती चावल ले रही हूँ। बासमती चावल को मैंने ये वाला वीडियो ना पहले से देखा था कि स्टैनली का डब्बा एक वीडियो है, वो हमारे उड़ीसा की एक भैया है, उनका ही आईडी से मैंने देखा था। मैं तो हर रोज़ बनाती हूँ बिरयानी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ पूरा खिला खिला बिरयानी, आप रेस्टोरेंट में जैसे खाते हो वैसे। तो इसलिए मैंने एक कड़ा क्या पॉट में मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला, शाही जीरा पानी में डाल दिया है। वो यहाँ पे गरम हो रहा है और यहाँ पे प्रेशर कुकर चढ़ा लिया है, क्योंकि मैं आज चिकन बिरयानी प्रेशर कुकर पे बना रही हूँ। तो उसमें पानी में थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली और धनिया का पत्ता मैंने काट के अभी डाल दिया है। आप देख सकते हैं कि वो पानी को उबलने तक हम देखेंगे। उसमें थोड़ा सा ऑयल भी मैंने ऐड किया है, आप कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिफाइन ऑयल यूज़ की हूँ। अभी प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और तेल में थोड़ा सा भुना हुआ प्याज डाल दिया, क्योंकि भुना हुआ प्याज से उसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी मज़ा आता है। तो प्याज को अच्छे से हो जाने के बाद मैं उसमें चिकन ऐड करूँगी अभी। तो मेरा मैरिनेशन का टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पे चिकन को ऐड कर दिया है। तो अच्छे तरह से उसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा पकने के लिए छोड़ देंगे। वहाँ पे पानी को देख सकते हैं आप, पानी गर्म हो रहा है। तो मैंने जो चावल पहले से भिगा कर रखे थे उसको और थोड़ा धो के मैं उसमें ऐड करने वाली हूँ। चिकन को यहाँ पे पकने देते हैं। यहाँ पे एक मैंने नींबू का रस डाल दिया है, क्योंकि मैं उनके वीडियो पे देखा था कि नींबू का रस ऐड करने से चावल क्या जो गलता है वो ज़्यादा गलेगा नहीं, वो अच्छे से पक जाता है, मीन्स टूटता नहीं है। हम लोग ज़्यादातर क्या होता है कि चावल उबलने के बाद 70% 80% होने के बाद चावल अगर आप बिरयानी के दम के लिए यूज करते हैं तो चावल टूट जाता है, तो नींबू डालने से चावल टूटता नहीं है। तो मैंने ये स्टैनली के ढाबे से ही देखा था। तो देखिए मेरा चावल ऑलमोस्ट 60-70% हो गया है, इसको और थोड़ी देर होने देते हैं। मस्त ओ की खुशबू आ रही है मुझे, आज तो संडे का मज़ा ही आ जाएगा, मैं तो मस्त मज़े करके खाऊंगी। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक शेयर करना ज़रूर कभी नहीं भूलना। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से चिकन मेरा बन गया है, अच्छे से कुक हो गया है। चिकन को ज़्यादा नहीं, बस 60-70%, क्योंकि मैं दम देने वाली हूँ चावल में लेयर बना के। तो ये प्रेशर कुकर में मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ चिकन को। तो देखिए यहाँ पे चिकन अच्छे से कुक हो गया है। तो मैंने अभी वो चावल को निकालने वाली हूँ पानी से। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर यूज किया नहीं है, तो मेरे पास छन्नी था तो छन्नी से ही मैं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं चावल को अच्छे से मैंने चेक कर लिया है, चावल अभी टूटता नहीं है, मीन्स ऑलमोस्ट 70-80% हो गया है। तो अभी हम दम दे सकते हैं उसको। तो दम देने के लिए मुझे सिर्फ 20 मिनट ही चाहिए हो, तो इसलिए देखिए अब चावल, ओह के भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है। आप भी घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए। मैं यहाँ पे वो स्टैनली ढाबा का लिंक भी ऐड कर दे रही हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, आप भी घर पे बनाए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये शॉर्ट ट्रिक। तो मैंने यहाँ पे दो आलू को फ्राई करके ऐड कर दिया है उसमें।
क्योंकि मुझे थोड़ा आलू का पसंद है, हर खाने में मुझे आलू को ऐड करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे चावल का मैंने लेयर बना रही हूँ, देखिए चावल कितना सुंदर है। हाँ, एक ज़रूरी बात है कि आप थोड़ा सा चावल डाल लेयर बनाने से पहले दूध में थोड़ा सा केसर डाल दिया कीजिए, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल, मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया है, तो मैंने इसीलिए दूध में भिगे हुए केसर को ही एज ए कलर यूज करूँगी। नहीं तो अगर आपके पास नहीं है, वो ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर चावल मेरा ऑलमोस्ट लेयरिंग हो गया है, तो इसके ऊपर थोड़ा विरिस्ता डालूँगी और थोड़ा धनिया पत्ता डालूंगी उस पर ऊपर, आप देख सकते हैं। आप अगर चाहिए तो आप चिकन और राइस का लेयर कर सकते हैं। मेरा चिकन ऑलमोस्ट कुकर में ही बनाया था, तो उसके ऊपर चावल का लेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बिरिस्ता को अच्छे से लेयर कर दिया है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया को कट करके ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया को भी अच्छे से ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पुदीना थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने धनिया को ही यूज किया है। अगर आपको पसंद है तो आप भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, एज आपके चॉइस, तो उसमें कोई मैंडेटरी नहीं है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला मैंने ऐड किया है। बिरयानी मसाला मैं घर पर ही बनाई हूँ, कोई बाहर का नहीं है कुछ भी। और यहाँ पे थोड़ा सा घी डाली हूँ, मेरे पास घर का घी नहीं था, लेकिन मिल्क मिस्ट का घी ज़्यादातर सिमिलर रहता है घर का घी जैसा, तो इसके ऊपर से फ्लेवर अच्छा आता है। और ये देखिए, मैंने दूध में भिगाया हुआ केसर को भी इसमें ऐड कर दिया है। अभी इसको लॉक करके मैं मीडियम फ्लेम में 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो गया है, तो कुकर का कूल होने थोड़ा छोड़ देते हैं, एक सीटी भी लगवा दिए हम। तो अभी देखते हैं कि चिकन, कुकर, राइस सबको मिक्स करके हमारे चिकन बिरयानी कैसे बना है। ओ भाई साहब, कितना अमेजिंग दिख रहा है, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। पहले तो चेक करना पड़ेगा कि नीचे लगा नहीं तो, या फिर ज़्यादा पक नहीं गया तो। अरे भाई साहब, देखिए ना, जैसा हैदराबादी बिरयानी मिलता है वैसे ही बना है मेरा बिरयानी, और इतना खिला खिला है। और ये देखिए, चिकन लेग पीस भी मस्त दिख रहा है, कोट हो गया है चावल के साथ, मज़ा आ जाएगा आज के साथ। तो इसके बिरयानी के साथ मैंने यहाँ पर लौकी का रायता बनाया, आप भी खाइए और मज़े कीजिए।